हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एजुकेटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 18। पिछले वाले तीन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक कवर करवा चुका हूँ, आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए इसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पे पावर 5। तो यहाँ पे हम जो कर्व लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x क्यूब माइनस 2x 5, तो यहाँ क्या फाइंड करना है, तो फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है जो टेंजेंट से पास कर रहा है थ्रू ओरिजिन से। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कर्व लाइन का इक्वेशन है, इसको पहले हम लोग सबसे पहले डेरिवेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेट किए dy बाई dx के टर्म में, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डेरिवेट कर लिए। तो आई होप आप लोग को डिफरेंशिएशन आता होगा। तो यहाँ पे देखिए 12x स्क्वायर यहाँ पे हम लोग का पावर इससे इंटू हो जाता है और एक पावर कम हो जाता है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे डिफरेंशिएशन। तो 12x स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x पे पावर 4। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको डेरिवेट कर लिए। अब यहाँ पे बोला है एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू एक्स वाई। तो यहां पे हम लोग टेंजेंट ले लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू एक्स वाई इज जो ओरिजिन में है। तो इसको हम लोग जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग का एक फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ओरिजिन, हम लोग को पॉइंट निकालना है। यहाँ पे ओरिजिन दिया हुआ है एक्स और वाई 0-0 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और एम का वैल्यू हम लोग 12x स्क्वायर माइनस 10x 4 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का हो जाएगा वाई माइनस वाई कैपिटल माइनस वाई, ये हम लोग का निकालना है वाई वन एक्स वन, हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है, इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x 4। ये वाला क्यों क्यों मैं आगे जाके बताता हूं ये क्यों क्या मैं। अब देखिए यहां पे हम लोग का x कैपिटल x माइनस एक्स वन, अब देखिए ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए यहां पे हम लोग का, अब हम लोग मान लिए फॉर पासिंग, ये हम लोग का एक्स वाई क्या है, देखिए फॉर पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको हम लोग 0-0 माने हैं, x x = 0, y = 0। अब देखिए यहां पे हम लोग, जब यहां पे हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पे y का वैल्यू आ जाएगा, मतलब यहां पे हम लोग का एक y का इक्वेशन आ जाएगा और यहां पे पहले से इक्वेशन है, तो दोनों को इक्वेट करके हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे x और y। तो देखिए कैसे मैं करता हूं, आई होप आप लोग को समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे पहले हम लोग डेरिवेट किए, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू एक्स वाई मान लिए। अब यहाँ पे इसको हम लोग लाइन ऑफ इक्वेशन को पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 0 मान, अब देखिए इसको हम लोग एक्स और वाई को 0 माने, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस वाई इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x पे पावर 4। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स y, तो यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू इसको हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस, अब इसको इंटू हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा 10x पे पावर 5। तो ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। और एल्सो हम लोग का है, देखिए यहाँ पे एल्सो ये वाला हम लोग का लाइन है, कर्व ऑफ लाइन हम लोग का है y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x पे पावर 5 है। अब दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए कैसे, देयरफॉर 12x क्यूब माइनस 10x पे पावर 5 इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x 5। तो ये क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को, देखिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे पॉइंट बोला फाइंड ऑल द पॉइंट, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग इसे पॉइंट निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का हो गया, इसको इधर ले गए तो हम लोग का हो गया 8x
इसको सॉरी इसको ले गए तो 8x5 माइनस 8x3, ये कर लीजिए आप, बस सिंप्लीफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 8 को कॉमन कर लिए तो 8 उधर चला गया 0 में, तो 0 हो जाता है। तो x पे पावर 5 माइनस x पे पावर 3 इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको हम लोग फिर कॉमन ले लिए, x पे पावर 3 ले लिए, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का दो वैल्यू आ गया, x का सॉरी 3 वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक और आ गया हम लोग का, उधर ले गए एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, क्योंकि यह रूट अंडर हो जाता है तो प्लस माइनस वन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब इस कर्व लाइन पे रख के हम लोग एक्स का वैल्यू वाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 3 वैल्यू है, 0 है, प्लस 1 माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू, अब देखिए एक्स इक्वल टू 0 पे रखे तो इसका इक्वेशन रख देंगे 4, इस इक्वेशन पे हम लोग पुट कर देंगे तो 4 0 क्यूब माइनस 2 0 पे 5 पावर 5, तो किसी भी नंबर से 0 ही जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इक्वल टू 4, 1 पे पावर 3 माइनस 2, 1 पे पावर 5 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू माइनस 1 पुट किए तो y इक्वल टू 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 का क्यूब 5। तो जब भी ऑड नंबर रहता है तो वो ऑड ही माइनस ही पुट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस 2। तो सो द पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग का 3 पॉइंट आ गया, 0, 0, ये वाला 0, 0, 1, 2 और -1, -2। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला था कि सब पॉइंट फाइंड करने के लिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, चलिए इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो यहाँ पे हम लोग को पॉइंट फाइंड करना है, जैसे कर्व लाइन का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x - 3 = 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे कर्व लाइन है जिसका टेंजेंट है और पैरेलल है एक्स एक्सिस का, उसका हम लोग पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर्व लाइन को डेरिवेट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे निकालेंगे। अब देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, तो डिफरेंशिएशन करना आपको आता होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 2y। अब यहाँ पे देखिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई dx। अब देखिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का x तो डिफरेंशिएट हो गया, मगर यहाँ पे y हम लोग का डिपेंडेंट वैल्यू है, तो y हम लोग का डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा, dy बाई dx इस माइनस, अब 2x, x तो फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ 2 और कॉन्स्टेंट को करेंगे तो 0। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे इसको काट देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dx हो गया, y को डिपेंडेंट वैल्यू था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग y dy बाई dx, अब देखिए सबको उधर ले गए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया प्लस टू माइनस टू एक्स। अब देखिए ये हम लोग का हो गया इतना। अब इसको हम लोग y को उधर ले जाएंगे, इसको हम लोग कॉमन ले लिए 1 से, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो गया डिवाइड बाई y, तो ये हम लोग का डिफरेंशिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला था पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला था, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब होता है dy बाई dx 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए dy बाई dx आया हुआ है, इसको हम लोग 0 से बराबर कर देंगे और उससे हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे हम लोग का पॉइंट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का कब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब dy बाई dx 0 के बराबर होता है, तो इसको कर देंगे फॉर, तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फॉर पैरेलल टू एक्स एक्सिस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 0, 0 के बराबर रहेगा तब।
अब देखिए वाई इधर गया तो जीरो हो जाता है, जीरो से तो वाई से इंटू किए तो यहाँ पे हम लोग का जीरो को तो जीरो ही जाता है, तो वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का आ गया कितना वन। अब देखिए एक्स का वैल्यू वन आ गया और कर्व लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इस पर हम लोग वन पुट कर देंगे तो वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स पुट किए तो वन स्क्वायर, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ी इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग वन पुट किए तो वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग कितना आ गया फोर, और इसको रूट स्क्वायर उधर गया तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू, रूट अंडर फोर का होता है टू, तो यहाँ पे प्लस माइनस टू हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का पॉइंट आ गया, पहला एक्स वन प्लस टू, वन कॉमा प्लस टू और वन कॉमा माइनस टू, सो द पॉइंट आर वन कॉमा टू एंड वन कॉमा माइनस टू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो चलिए इसे देखते हैं क्या बोल रहा है 20 नंबर। तो 20 नंबर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का एट ए पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे हम लोग इक्वेशन फाइंड करना है एम स्क्वायर एम एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यू फॉर द कर्व, जो कर्व लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई आप लोग डरिएगा नहीं ये देख के। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम लोग डेरिवेट कर देंगे, कर्व लाइन को हम लोग सबसे पहले डेरिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर्व लाइन को डेरिवेट किए तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे देखिए 2ay, पहले हम लोग इसको पावर को डिफरेंशिएट करेंगे 2ay, अब यहाँ पे y हम लोग का डिफरेंशिएट नहीं होगा, पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट किए उसके बाद y को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का dy by dx हो जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ x क्यूब को डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आई होप आप लोग क्लियर हो गया। अब देखिए dy by dx को इधर रखें और बाकी सबको उधर ले गए, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay, अब ये हम लोग का डिफरेंशिएट आ गया। अब इसको हम लोग स्लोप ऑफ ए टेंजेंट निकालते हैं। नॉर्मल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस वन बाई एम, एम क्या होता है छोटा एम, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एट इस पे निकालते हैं, इसी पे हम लोग इक्वेशन निकालना है, तो यहां पे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए एम स्क्वायर ए एम क्यू, तो ये हम लोग का स्लोप इज, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इतना है इज, इस पे निकालना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए जो हम लोग का डेरिवेट आया है वही तो हम लोग का इसी पे हम लोग निकालेंगे एट इतना पर। देखिए कैसे dy by dx पे हम लोग ए एम इस पे रख के निकालना, ए एम स्क्वायर कॉमा ए एम क्यूब पे निकालना है, तो इसी पे हम लोग एक्स के जगह ए एम स्क्वायर और वाई के जगह हम लोग ए एम क्यूब पुट करके हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखिए आ गया 3x स्क्वायर, तो x के जगह ए एम स्क्वायर रखेंगे, इसको हम लोग x माने हैं और इसको हम लोग y माने हैं, 3m स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस पे स्क्वायर है पूरा पे स्क्वायर है, फिर 2ay पे हम लोग पुट कर देंगे ए एम क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर m4, नीचे हो जाएगा 2a स्क्वायर m3, a इनटू हो गया, तो यहाँ पे हम लोग सब कट गया, ये 3 4 कट गया और 2 2 कट गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा 3m बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा है m4 है, m पे पावर 4 है और m पे पावर 3 है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग का आ गया एट इतना पे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3m बाई 2। अब नॉर्मल का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है,
की होता है, देखिए यहाँ पे नॉर्मल का होता है स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल, पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन बाई एम, और एम का वैल्यू क्या है, थ्री एम बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री एम स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखिए इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने का हम लोग का होता है एक जनरल फॉर्म, तो देखिए होता है वाई माइनस वाई वन, वाई वन और y1 जो हम लोग का ये है am square और am cube है, और x1 हम लोग का am square है, तो यहाँ पे होता है। और slope हम लोग का slope of normal है इतना, और x minus x1, तो ये form, ये होता है general form, तो इसी पे हम लोग put कर देंगे। तो y minus y1 हम लोग का am cube है, m का value है minus 2 by 3m, और x माइनस x1 हम लोग का है 2m क्यूब है, तो ये हम लोग का है। तो यहां पे हम लोग का हो गया 3my, कैसे हुआ ये, हम लोग का उधर चला गया 3my माइनस, तो यहां पे बस सिंप्लीफाई कर दिए, 3m 4 हो गया, 1m इधर इनटू हो गया, तो 4 इस माइनस, अब इसको उधर ले गए हम लोग इनटू करके am सॉरी am स्क्वायर 2 प्लस 3m स्क्वायर, इसको आप सिंप्लीफाई कर देगा तो यही आएगा। तो यही हम लोग का हो जाएगा इक्वेशन, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, चलिए इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल फाइंड करना है टू द कर्व लाइन, जिसका कर्व लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x पे पावर क्यू प्लस 2x प्लस 6, जो पैरेलल है, विच आर पैरेलल टू द लाइन, जो पैरेलल है लाइन टू द लाइन x प्लस 14y प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड करना है, और कर्व लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, और पैरेलल है एक दूसरा लाइन से जिसका इक्वेशन है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए इसे बनाना है, बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्व लाइन का हम लोग डेरिवेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dx, dy बाई dx, अब इस पहले कर्व ऑफ लाइन को डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 3x स्क्वायर प्लस 2x को डिफरेंशिएट किए तो 2 हो गया, और कांस्टेंट को करेंगे तो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे, देखिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला होता है माइनस 1 बाई एम, माइनस 1 बाई एम होता है, एम हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर प्लस 2 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy by dx कर्व लाइन का, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 है, माइनस 1 by 3x स्क्वायर प्लस 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इस लाइन का हम लोग स्लोप निकालते हैं, इस लाइन का स्लोप, तो x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको कुछ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस 1 बाई 14 एक्स प्लस 4 बाई 14, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे इस लाइन का, तो स्लोप निकालने का ये होता है, एक होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, और हम लोग का इसमें इस लाइन का स्लोप क्या होता है, एक्स के कोफिशियंट, एक्स के कोफिशियंट क्या है, एम है, तो यहाँ पे देखिए एक्स के कोफिशियंट हम लोग का माइनस 1 बाई एम है, तो यही हम लोग का स्लोप हो जाएगा इस लाइन का। तो यहाँ पे हम लोग का स्लोप आ गया लाइन का, इस लाइन का। अब देखिए यहाँ पे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ लाइन का, स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ लाइन को हम लोग दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल टू में कर देंगे, तो उसका हम लोग पॉइंट आ जाएगा x का वैल्यू, उससे हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देयर फॉर माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई 14, इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर दिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14, माइनस माइनस हम लोग का कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, x स्क्वायर इक्वल टू 4, और x इक्वल टू प्लस माइनस 2,
तो यहां पे हम लोग एक्स का वैल्यू 2 आया, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू 2 आएगा, तो एक्स इक्वल टू 2। अब हम लोग कर्व ऑफ लाइन पे हम लोग पुट करेंगे, इस पे हम लोग पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, तो हम लोग का वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पुट किए, तो यहाँ पे कितना है, x पे पावर क्यूब है प्लस 2x प्लस 6 है। तो याद रखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और यहाँ 2y था तो 2y 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 4 प्लस 2x था, सॉरी 2x था तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 6 था तो टोटल हो गया हम लोग का 18। अब यहाँ पे आया था x इक्वल टू माइनस 2 पे आया था, तो y इक्वल टू अब माइनस 2 कर दीजिए तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का पॉइंट का फाइंड करने नहीं बोला था, इस पॉइंट से हम लोग का इक्वेशन निकालना है, तो पहले हम लोग पॉइंट निकालेंगे उसके बाद हम लोग इक्वेशन आता है। तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, स्लोप भी है, तो फॉर्मूला एक जनरल फॉर्म होता है, सॉरी। तो देखिए ये हम लोग का होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम स्लोप ऑफ नॉर्मल एक्स माइनस एक्स वन होता है, इस पर हम लोग पुट करके निकालेंगे। तो पहला हम लोग 2,18 पे निकालते हैं, उसके बाद माइनस 2,18 पे, तो यहां पे देखिए हम लोग का दो इक्वेशन निकलेगा, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू 2,18। तो यहां पे हम लोग का 2,18 आया है और माइनस 2,6 आया है, तो यहां पे देखिए हो जाएगा y माइनस y1 हम लोग का 18 है इक्वल टू स्लोप हम लोग का माइनस 1/14 है, और x1 हम लोग का 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर दीजिए तो 14y 14 का चला गया माइनस 252 इक्वल टू x प्लस 2। तो इससे हम लोग का आ गया x प्लस y, बस यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, माइनस 254। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कितना बोला था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो देखिए यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू 2, कितना था, माइनस टू कॉमा माइनस सिक्स था, तो माइनस 2,-6, तो उसका निकालेंगे y माइनस माइनस 6, y1 माइनस 6 है इक्वल टू माइनस 1/14 स्लोप का x माइनस माइनस 2। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ x प्लस 14y प्लस 86 आएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 2 को इक्वेशन लाइन। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन आ गया, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। तो यहाँ पर इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का टू द पैराबोला y इक्वल टू 4ax। तो आप लोग को पैराबोला का इक्वेशन पता होगा, y इक्वल टू 4ax होता है एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे निकालना है at स्क्वायर कॉमा 280 पे निकालना है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट नॉर्मल का टू द पैराबोला। तो ये हम लोग का पैराबोला का इक्वेशन है, इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है, यहाँ पे at स्क्वायर है, तो चलिए इसे निकालते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहले हम लोग इसको डेरिवेट कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करते हैं, तो 2y पहले पावर को डिफरेंशिएट किए तो 2y हो गया, अब y को डेरिवेट यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किए तो dy by dx कहते हैं, क्योंकि y हम लोग का डिपेंडेंट वैल्यू है इक्वल टू, अब x तो हम लोग का इंडिपेंडेंट तो डेरिवेट हो जाएगा तो 4x हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4a हो जाएगा। तो ये हम लोग का dy by dx हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 2a by y, क्योंकि ये 2 कट जाएगा तो 2a by y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, एट इस पॉइंट पे निकालना है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx होता है, पहले इसको हम लोग डेरिवेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का, अब देखिए इस पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं at स्क्वायर इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का स्लोप ऑफ dy by dx, इस पॉइंट पे हम लोग का स्लोप हो जाएगा at स्क्वायर कॉमा 280। तो यहाँ पे x के जगह हम लोग और y के जगह पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2a, y के जगह 280 हो जाएगा, y के जगह सिर्फ 280, वहाँ a कट जाएगा तो 1/t। तो ये हम लोग का हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हम लोग ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मगर यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग का 1/t हो जाएगा,
तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए कैसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/t, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तो यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, पॉइंट पता है, तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है वाई माइनस वाई वन, इस पे निकालते हैं वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, क्या है वो, ये है एक्स वन वाई वन, तो इससे हम लोग निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ पैरा सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो यहां पे देखिए हम लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया हम लोग का वाई माइनस वाई वन इतना है और याद रखिएगा और एक्स वन इतना है, तो यहां पे देखिए हम लोग का हो जाएगा 280, y1 इतना था, इक्वल टू स्लोप हम लोग का 1/t है, फिर x माइनस x1 हम लोग का 80 स्क्वायर था, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए, तो यहाँ पे ty, ये हम लोग का t उधर चला गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं हम स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बिल्कुल वही है, बस ये हम लोग का एम के जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, बिग एम होता है, बिग एम को स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं। पहले हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो बहुत ईजी है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस 1/m होता है, m क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट आया हुआ 1/t आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हम लोग का उधर ले गए तो माइनस टी, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा नॉर्मल बिल्कुल वही है, बस यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल m बिगर m हो जाता है यहाँ पे देखिए, तो y माइनस वाई वन, वाई वन हम लोग का वही है 280 इक्वल टू माइनस t, हम लोग का स्लोप ऑफ नॉर्मल है x माइनस x1 हम लोग का 80 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इक्वेट मतलब सिंप्लीफाई किए तो हो गया y माइनस 280 इक्वल टू माइनस tx प्लस 80 क्यूब। तो आगे हम लोग का इक्वेशन y इक्वल टू माइनस tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।